सो व्हाट्स अप गाइस, आज है फर्स्ट टाइम मैं इस मोटो ब्लॉग यानी कि वीडियो में बात कर रहा हूँ और मुझे एक बात बतानी थी। तो मैं अपने गली से जा रहा था, मतलब अपने टाउन के अपने घर के पास से, तो एक पीछे करिश्मा वाला बंदा आया, हीरो करिश्मा। तो उसको क्या लगा कि मैं रेस लगा रहा हूँ, तो मेरे पीछे है वो और मुझे मालूम तक नहीं, क्योंकि मैं शीशे में देखता ही नहीं, मैं सिर्फ सामने देखता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं। और कब मेरे साइड से कट मार के चला गया, मैं गिर जाता, वो गिर जाता और ऐसा गया, उसके टायर भी घिसे हुए थे। मैं गाड़ी को ज़्यादा लीन भी नहीं करता, सिर्फ अपने लिमिट है उतनी ही लीन करता हूँ। तो ध्यान रखना कि ऐसे अगर आप चला रहे हो, आपको अगर जोश आ जाए, कोई आपके आगे है और उसको आपको साइड मारनी है, तो प्लीज़ एक बार हॉर्न मारो। मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया इंजन का आवाज़, मैं सोच में पड़ गया कि ये मेरे गाड़ी का तो आवाज़ नहीं है, ये दूसरी गाड़ी का है। और जैसे मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो अचानक से ये बाहर आ गया कहाँ से, और बाद में उसने दूसरी जगह ले ली। मेरा गोप्रो बंद था तभी, तो मैं शूट नहीं कर पाया, काश गोप्रो ऑन होता तो मैं दिखा देता। और बाद में वो किधर तो मुड़ गया, तो मैं पीछा कर रहा था उसका, और जाते जाते मुझे देखता है ऐसे, सिर टेढ़ा करके देखता है ऐसे अचानक से खींच दे रहे हो साइड में आके, अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। तो मैं यही बताना चाहता था कि प्लीज़ ऐसे मत चलाओ, जितना तेज़ी से आपको चलाना है आप चलाइए, आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, गिरे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसे दूसरों को हानि हो ऐसा कभी भी मत चलाना। और स्पेशली ऐसे रास्ते पे जो कि इस रास्ते से आधा है, दोनों तरफ गाड़ी है और लोग चल रहे हैं, और ऐसे में वो साइड मार रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा, किसी ने मुझे आज तक ऐसे साइड नहीं मारी। मेरी बाइक अभी 5000 क्रॉस हो चुकी है किलोमीटर, और एक साल होने को आ गया इस बाइक को, तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, मैं खुद डर गया ऐसा देख के। तो प्लीज़ ऐसा मत चलाना। अभी पता नहीं कि ये सब माइक में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, मैंने माइक को टेस्ट भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। तो देखते अगर माइक में रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर कोई गड़बड़ हुई, गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है सही सलामत। और मुझे ये भी बताना कि आपको इंजन की आवाज़ सुननी है या फिर मेरी आवाज़ सुननी है, क्योंकि अभी माइक हेलमेट में है तो मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, इंजन की आवाज़ ना के बराबर आ रही है, क्योंकि पहले तो स्टॉक गाड़ी है, उसके ऊपर से मैं इसको इतना धीरे चला रहा हूँ। अगर आपको प्योर इंजन की साउंड सुननी है तो मुझे बता देना, मैं माइक को निकाल के सीधा इंजन के सामने लगा दूंगा, पूरी आवाज़ इंजन की आएगी और किसी भी चीज़ की नहीं आएगी। सेकेंडली गाइस, मैंने ये यहाँ पे हैंडल को ये लीवर गार्ड्स लगाई है, तो कैसा लग रहा है बताना। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े ब्लू टचअप दे दूँ गाड़ी को, ताकि ब्लैक के साथ थोड़ा मैच हो। तो मेरे गाड़ी को थोड़ी ग्रीन टचअप है और एक येलो मेरा फ्रेम प्रोटेक्टर नीचे है, दिख रहा होगा कि पता नहीं, तो सब मुझे एक ही कलर का करना है। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये एरिया पूरा दिखता है। अभी R15 के कितने सारे मोटो व्लॉगर हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ यूनिक होना चाहिए, क्योंकि बाइक में बाकी सब जगह करोगे तो आपको वैसे भी दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा अपना यूनिक हो, ताकि ऐसा होता है ना, हर एक राइडर का अपना यूनिक स्टाइल वैसे। लेकिन यहाँ पे कुछ लगाने के लिए कुछ सामान है नहीं ज़्यादातर, ऐसे घी में मैं आप रैप कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ पेंट जॉब, लेकिन वो करने के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास, कौन करता है कैसे करता है। तो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही रखते हैं इसको। पूरे रास्ते ऐसे ही स्लो चला रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो एंड करने से पहले बाइक को खींचते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे बात करने का वीडियो था, कैसा लगा प्लीज़ बताना। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए माइक में, वॉइस मतलब विंड नॉइज़ आ रहा है, सब करेंगे धीरे धीरे। और मुझे थोड़ी उतनी बात करने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा देख लो, संभाल लो। तो मिलते हैं गाइस
टाटा।